देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुकी हैं। जब से उनकी बेटी का बाहर का गोवा के बाहर का प्रकरण सामने आया है जनता के सामने, उसको ढकने के लिए आज जब सदन में बात चल रही थी तो अधीर रंजन जी से भूलवश एक चूक से शब्द कुछ निकला था जिसकी उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी। इसके बाद सदन का बैठक खत्म होने के बाद अब सोनिया जी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री से बात कर रही थी रमा देवी जी से, तो अभी स्मृति ईरानी आती हैं चार चार अपने सांसदों के साथ और कहती हैं सोनिया गांधी जी ये हैं सोनिया गांधी जी वो हैं, उनके लिए अपशब्द और दुर्व्यवहार कहती हैं। तभी सोनिया जी कहती हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, कृपया करके मेरे से बात ना करिए। तो स्मृति ईरानी जी घमंड में चूर होकर इसने नशे में एक तो बार वाला ही ऊपर से बार के नशे में इतनी चूर हो गई वो सदन के अंदर, उन्हें पता नहीं था मैं बार में खड़ी हुई हूँ, देश के सबसे बड़े उच्च सदन में खड़ी हुई हूँ, कहते हुए कहती है कि आप मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो इसी विरोध के लिए आज हमने NSI ने आगरा में उनका पुतला दहन कराया और मैं साफ तौर पर एक बता दूँ आगे की रणनीति हमारी ये है कि आगरा का पागलखाना देश का सबसे बड़ा पागलखाना कहा जाता है। स्मृति ईरानी जी को आगे आके अब हम एप्लीकेशन में दरखास्त लगाएंगे पागलखाने में कि इन्हें भर्ती करवाया जाए, इनका मानसिक संतुलन ठीक हो सके।